नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिप्लब ब्लॉग्स एंड स्टॉक्स में। और आज का ब्लॉग अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हो। आज का ब्लॉग मैंने सुबह 9 बजे अपलोड कर दिया था, रोज़ की तरह हर रोज़ मैं सुबह 9 बजे अपना ब्लॉग अपलोड करता हूँ, तो आज का ब्लॉग भी अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा चैनल पेज पे जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस शेयर के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ, इस स्टॉक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता है, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया, तो एजुकेशन पर्पस पे ही लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते कंपनी करती क्या है। तो कंपनी को तो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इज एन इंडियन एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और बेस्ड इन कोटा राजस्थान के कोटा में है। आपको बता दूँ जो ये जो कंपनी राजस्थान के कोटा में है। और अभी जो इसका जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस चल रहा है, वो 462.60 रुपये का चल रहा है। आज ये स्टॉक 7.52% ऊपर जाके क्लोज हुआ, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। तो ये थी कंपनी करती क्या है। आपको बता दूँ एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इसका वैल्यूएशन देखते तो वैल्यूएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,293 करोड़ का है। 10 का फेस वैल्यू है। EPS 42.53 का है। PE 10.90 का पी है। सेक्टर पी 17.80 का है। बुक वैल्यू 125.73 का। बुक वैल्यू डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 1.62 का है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। इसका चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर शेयर मार्केट में नए हो, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर 2021 और सितंबर 2021 का रेट है। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर्स सितंबर 2021 में 60.39% शेयर प्रमोटर्स के पास थे, वह दिसंबर 2021 में 60.40% प्रमोटर्स के पास है। प्लस की बात करें नहीं, प्रमोटर्स अपने शेयर जो गिरवी रखते हैं उसको प्लस शेयर कहा जाता है। तो प्लस शेयर सितंबर 2021 में 18.09% शेयर प्लस डन गिरवी रखे हुए थे, वही दिसंबर 2021 में 19.17% शेयर प्लस डन गिरवी रखे हुए है। तो मामले से नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि जो प्रमोटर्स है अपने शेयर अगर गिरवी रखते हैं उसको नेगेटिव माना जाता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर जो कि है फॉरेन इन्वेस्टर, इनकी जो होल्डिंग है सितंबर 2021 में 11.42% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास थे, वहीं दिसंबर 2021 में 12.15% शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनकी जो होल्डिंग है सितंबर 2021 में 12.52% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास थे, वहीं दिसंबर 2021 में 12.17% शेयर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। अदर्स की होल्डिंग सितंबर 2021 में 15.01% थी, वहीं दिसंबर 2021 में 14.69% हो गई है। तो ये पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा शेयर से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग जो है रिड्यूस किया है 0.01%। इसके अलावा प्लस शेयर है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं सेप्टेम्बर के कंपेरिजन में। आप देख सकते हो दिसंबर में इंक्रीज हुआ है प्लस शेयर, यानी प्रमोटर्स ने अपने कुछ ज़्यादा ही शेयर गिरवी रखे हैं सेप्टेम्बर के कंपेरिजन में दिसंबर के क्वार्टर में। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसमें से फॉरेन इन्वेस्टरों ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया, बढ़ाया, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपना होल्डिंग रिड्यूस किया यानी कम किया। तो मिला जुला है, आप देख सकते हो ठीक ठाक ही मानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसका चले चलते इसका लास्ट 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट था, रिजल्ट मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट में दिसंबर 2021 और जून 2021 का डेटा है। तो सबसे पहले सेल्स देखते, तो सेल्स जून 2021 में 3,539 करोड़ का सेल्स था, वहीं सितंबर 2021 में 4,478 करोड़ का सेल्स था। तो जून से सितंबर में सेल्स इंक्रीज हुआ था, नहीं बढ़ा था। और दिसंबर 2021 का जो सेल्स है 4,743 करोड़ का है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, यानी क्वार्टर बाई क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रहे। तो ये अच्छी बात है कि क्वार्टर बाई क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रहे। नेट प्रॉफिट देखते सबसे नीचे सबसे बॉटम में, तो नेट प्रॉफिट जून 2021 में 342 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं सितंबर 2021 में 425 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो जून से सितंबर में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, नहीं बढ़ा था। और दिसंबर 2021 का जो नेट प्रॉफिट है 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो ये डिक्रीज है उससे पहले वाले दोनों क्वार्टर से। दिसंबर के सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो इस बार में कंपनी को जरूर एनालिसिस करना चाहिए, अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहिए सेल्स के साथ साथ।
इसके बाद इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट पे मार्च 2021 और मार्च 2020 का रेट आता है। सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल देखते हैं, तो टोटल शेयर कैपिटल दोनों ईयर में सेम है, 416.21 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है दोनों ईयर में। नेटवर्क की बात करता हूँ, नेटवर्क मार्च 2020 में 3,915.88 करोड़ का नेटवर्क था, वही मार्च 2021 में 5,292.31 करोड़ का नेटवर्क है। टोटल डेट देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना था, टोटल डेट मार्च 2020 में 8,908.24 करोड़ का टोटल डेट था, नहीं कर्जा था, वही मार्च 2021 में 3,076.39 करोड़ का टोटल डेट यानी कर्जा है। तब तो कंपनी का जो कर्जा वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आप देखो मार्च 2021 में आकर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है कंपनी ने अपना कर्जा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना कर्जा रिड्यूस कर रही है, धीरे धीरे जरूर डेट फ्री होगी। इसका चले चलते हैं इसका चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आज 4 अप्रैल है और आज का मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। आज स्टॉक 462.60 पे चल क्लोज हुआ है, वो बता ही चुका हूँ मैं आपको कंपनी करती क्या उस वाले चार्ट पे, उस वाले आपको तो दो पॉइंट पे। और इसके अलावा 32.35 ऊपर गया, 7.52% आज इस स्टॉक ने जंप लगाया, यानी 7.52% आज स्टॉक ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें, पॉजिटिव टर्न रहा है, 9.82% का पॉजिटिव टर्न पिछले 5 दिन में दिया है, यानी 9.82% का पॉजिटिव टर्न दिया पिछले 5 दिन में। और 41.35 पिछले 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले एक महीने की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव टर्न है, पिछले एक महीने 21.9% का पॉजिटिव टर्न दिया पिछले एक महीने में, यानी 21.9% का पॉजिटिव टर्न दिया पिछले एक महीने में। और 83 रुपये पिछले एक महीने में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 6 महीने की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव टर्न है, पिछले 6 महीने 34% का पॉजिटिव टर्न है, यानी 34% का पॉजिटिव टर्न पिछले 6 महीने में दिया। और 117.50 पिछले 6 महीने में स्टॉक ऊपर गया है। ईयर टू डेट देखते हैं तो ईयर टू डेट में भी पॉजिटिव टर्न है, 15.6% का पॉजिटिव टर्न ईयर टू डेट का, यानी 15.6% का पॉजिटिव टर्न ईयर टू डेट का। और 62.30 ईयर टू डेट में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले एक साल का डेटा देखते तो ये भी ज़बरदस्त पॉजिटिव टर्न है, देख सकते हो पिछले एक साल में इसी स्टॉक ने आपका पैसा दुगने से भी ज़्यादा किया, 107.7% का पॉजिटिव टर्न है, यानी 107.7% का पॉजिटिव टर्न पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और 239.90 पिछले एक साल में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 5 साल की बात करते ये भी ज़बरदस्त रिटर्न है, 436% का पॉजिटिव टर्न पिछले 5 साल का, यानी 436% का पॉजिटिव टर्न दिया पिछले 5 साल में। और 376.30 पिछले 5 साल में स्टॉक ऊपर गया है। मैक्सिमम चार्ट देखते नहीं, लॉन्ग टर्म देखते तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो चार्ट है 2001 से 2022 तक का चार्ट है, लगभग 21 साल का चार्ट आपके सामने। तो 21 साल में 3,755% का धमाकेदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 3,755% का पॉजिटिव रिटर्न 21 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और 450.60 इन 21 साल में स्टॉक ऊपर गया है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, एक ही ट्रेंड में स्टॉक ऊपर गया था, यहाँ आके थोड़ा सा एक झटके में ऊपर गया, वैसे चार्ट पैटर्न उतना बुरा नहीं नज़र आ रहा है। इसका चलिए चलते हैं एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ। तो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए तो यहाँ का डेटा मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि लेटेस्ट डेटा आ जाए। देख सकते हो रिफ्रेश कर दिया है और 4 अप्रैल 4 बजे तक का डेटा। क्लोजिंग प्राइस बता ही चुका हूँ, 462.60 का, प्रीवियस क्लोज होता 430.25 का था, आज ओपन जो था 431 रुपये पे हुआ था। और आज का हाई जो लगा था वो 466 रुपये का लगा था, लो जो लगा था 431 रुपये का लगा था। क्लो एडजस्टेड प्राइस जो आए नहीं है, 52 वीक हाई 52 वीक लो देखते हैं तो 52 वीक हाई आपको ग्रीन कलर में देख रहा होगा, जो कि 484.95 का 20 जनवरी 2022 का 52 वीक हाई लगा था। 52 वीक लो की बात करें 209.80 का, जो कि 23 अप्रैल 2021 को लगा था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखते हैं, डिलीवरी डेटा देखते हैं तो डिलीवरी डेटा में आज का नहीं 4 अप्रैल यानी आज का 3 बजे तक का डेटा, अभी 4 बजे तक का डेटा आया नहीं है। 4 बजे तक का डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो 3 बजे तक टोटल क्वांटिटी जो इस स्टॉक की आज ट्रेडिंग हुई थी वो 56,45,906 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई थी, यानी 56,45,906 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई थी। और इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी रही थी वो 11,84,007 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई थी, यानी 11,84,007 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी 20.97 यानी 20.97% की डिलीवरी, 20% से ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है। तो 3 बजे तक जो डिलीवरी हुई वो अच्छी मानी जाएगी। इसका चले चलते इसने जो डिविडेंड दिया है वो कब दिया कितना दिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसने शायद डिविडेंड दिया नहीं है या फिर अभी डेटा अवेलेबल नहीं, इन फ्यूचर का भी डेटा अवेलेबल होता है मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा। और इसी स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को दे दिया। लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप अगर जरूर रिप्लाई नोट करूँगा। आपका भी सजेशन हमारे चैनल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड आई होप तो कुछ को सब्सक्राइब कर दो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिलता है वीडियो में। जय हिंद।